जिंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन हमें मिलती है पेड़ पौधों से लेकिन पेड़ पौधों को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है ये हमें पता चलता है पेड़ पौधों के बायोकेमिकल प्रोसेसेस से और उनके ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं बॉटनी में आदाब दोस्तों मैं हूँ सुबुल शकील खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोज़गार से कामयाबी तक पे दोस्तों आज हम आपको बॉटनी की फ़ील्ड के बारे में तमाम जानकारियाँ फराहम कराएँगे हम अपने आस पास पेड़ पौधे देखते हैं उनकी बनावट उनके बायोकेमिकल प्रोसेसेस, वो किस तरह से बड़े होते हैं किस तरह से उन्हें ज़िंदा रखा जाता है ये तमाम चीज़ें आती हैं बॉटनी के अंदर आज हम आपको ये तमाम जानकारियाँ फ्राहम कराएँगे बॉटनी फील्ड में दो एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए आइए देख लेते हैं कि बॉटनी की फ़ील्ड आखिर है क्या बॉटनी बायोलॉजी साइंस का अहम हिस्सा है जो खास तौर पर पौधों की पढ़ाई उनकी बनावट प्रॉपर्टीज और बायोकेमिकल प्रोसेसेस से जुड़ा हुआ है इस फील्ड में पौधों में आने वाली सभी दिक्कतों को समझने और उनसे डील करने के सभी तरीके भी मौजूद होते हैं जिस तरह से माहौलियात से जुड़े मसले लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में आने वाले दिनों में इस फील्ड के एक्सपर्ट की मांग और ज्यादा बढ़ जाएगी इस फील्ड में जहां आप तालीम और रिसर्च के शोबे में अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं वहीं आप बतौर प्लांट साइंटिस्ट और वीट साइंटिस्ट भी अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं इसके अलावा मेडिकल प्लांट रिसर्च प्लांट डिजीज प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट जेनेटिक्स जैसे शोबों में भी बॉटनिस्ट की लगातार मांग बढ़ रही है बॉटनी एक वसी मैदान है जिसमें तालीम हासिल करके नौजवानों के लिए करियर के कई रास्ते हमवार होते हैं ऐसे में अगर आप भी पेड़ पौधे या कहें माहौलिया के तई दिलचस्पी रखते हैं, तो ये मैदान आपके मुस्तबिल को एक नई राह दिखा सकता है दोस्तों उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि बॉटनी की फील्ड आखिर है क्या चलिए इस फील्ड को और ज़्यादा बारीकी से जानने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बॉटनी फील्ड के बारे में इस फील्ड पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है देश बंधु कॉलेज की दो सीनियर फैकल्टीज डॉक्टर बेला भाटिया और डॉक्टर कुमार शांतनु आप दोनों का ही इस्ताल है हमारे इस प्रोग्राम में अब जैसे कि हम जानते हैं बॉटनी का अगर हम नाम लेते हैं तो ये फील्ड है पेड़ पौधों की पढ़ाई उनके बायोकेमिकल प्रोसेसेस, उनकी बनावट अब ऐसे में मैम सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करूंगी और अगर हम बॉटनी को जानना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगी और इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो किस तरह का काम करते हैं थैंक यू सो मच बॉटनी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करते हैं जी. पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है क्या खासियत है ये तो सभी जानते हैं क्योंकि बिना पेड़ पौधों के तो इंसान का वजूद ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो ऑक्सीजन हम जिसमें हम सांस लेते हैं वो तो हमें पेड़ पौधे ही देते हैं उसके बाद हमारा खाना पीना कपड़े सभी कुछ पेड़ पौधों से ही मिलता है तो बॉटनी की फील्ड में हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस किस तरह के पेड़ पौधे इस दुनिया में हैं उन जिसको हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इन पेड़ पौधों को अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करना फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं उनकी बनावट के बारे में जानने की कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनके बायोकेमिकल प्रोसेसेस क्या हैं यानी कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं हमें ऑक्सीजन कैसे देते हैं और वो खुद सांस कैसे लेते हैं अगर वो ऑक्सीजन हमें दे देते हैं तो उनका सांस कैसे चलता है तो ये सारी चीज़ें हम बॉटनी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, हैं। बॉटनी एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है जिसमें हम देखें तो हमें इन पौधों के बारे में जानकारी लेके फिर हमने अपनी फसलों के बारे में जानना है कि हम उनको कैसे बढ़ा सकते हैं उनकी पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है उनको कौन सी बीमारियाँ लगती हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और इसके अलावा आजकल तो बॉटनी की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम सभी जो हैं वो पर्यावरण के बारे में बहुत सजग हो चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल तो अगर हमने अपने पर्यावरण को पॉल्यूशन से मुक्त करना है तो उसके लिए तो हमें पेड़ पौधों पर ध्यान देना ही पड़ेगा तो बॉटनी के फील्ड में हम अलग अलग पेपर्स के माध्यम से जैसे कि प्लांट क्लासिफिकेशन हम टेक्सोनमी में पढ़ाते हैं फिर एनाटॉमी में हम उनकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में हम उनके बायोकेमिकल प्रोसेस पढ़ते हैं इकनॉमिक इम्पॉर्टेंस में हम अलग अलग तरह के पौधे जो कि हमें खाना देते हैं दवाइयाँ देते हैं या कि हमारे और बहुत से काम आ सकते हैं हम उन सब फील्ड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं सर uh, uh, अगला सवाल आपसे लेना चाहूँगी मैं uh, मैम ने जैसे बताया कि क्लासिफिकेशन होती है और क्या लाइक uh, कोर्सेज like, को के बारे में तो नहीं बताया लेकिन क्लासिफाई uh, कर देते हैं हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में तो और आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन से कोर्सेज इस फील्ड uh, के अंदर आते हैं जो पढ़ाए जा जाते हैं और बॉटनिस्ट जो होते हैं वो किस तरह का काम करते हैं देखिए जब हम पौधों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उनकी बनावट से लेके उनकी एनाटमी उनके बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इकोलॉजी में कैसे होता है जी। हमारे आसपास इन्वामेंट में वो क्या रोल अदा कर रहे हैं इन सब के बारे में जानना जानने की कोशिश होनी चाहिए और इन सब को हमने अलग अलग कोर्सेज़ में डिवाइड कर दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल हम मॉर्फोलॉजी uh, के बारे में या टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं इनाटमी के बारे में पढ़ते हैं उनकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं अच्छा जब इन सब चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं तो उनकी उपयोगिता के बारे में भी हमारा हमारे अंदर एक कौतूहल होता है कि भाई हम उनके साथ क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका हम दवाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं आयुर्वेदा एक पूरा एक साइंस है जो पौधों के इन प्रॉपर्टीज़ uh, के ऊपर हम बेस्ड uh, हैं हाँ, जी तो तो ये सारी चीज़ें एज ए कोर्स हम करते हैं इसके अलावा एज अ बॉटनिस्ट हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर कुछ स्किल्स भी डेवलप करते हैं फॉर एग्जांपल नर्सरीज़ गार्डनिंग फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना चाहता है तो वो कैसे बॉटनी के नॉलेज के बेसिस पे आमदनी कर सकता है फॉर एग्जाम्पल मशरूम कल्टिवेट करना फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोपोनिक्स आजकल बहुत ही कम स्पेस में पानी के uh, बिना सॉइल के uh, पौधों को उगाना तो इस तरह की नई नई टेक्निक्स हैं जो हम अपने बच्चों को, को कोर्स के माध्यम से सिखाने की कोशिश करते हैं अब मैम आपसे जानना चाहिए जैसे सर ने बताया कि अलग अलग कोर्सेज़ हैं और बच्चों को पढ़ाया जाता है इस फील्ड में पढ़ाई हासिल करने के बाद स्पेशलाइजेशन के ऐसे सर ने बताया कई रास्ते खुल जाते हैं और हम देखते हैं कि मेडिकल से लेके एग्रीकल्चर तक हर जगह बॉटनी है तो ऐसे में आप जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खुल जाती हैं कितना कुछ है करने के लिए उसको आप किस तरह से देखती हैं क्या नौजवानों के लिए रोज़गार के कितने ज़्यादा मौाक़े खुल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं बॉटनी की स्टडी करने के बाद बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल पे हम दो तरह के कोर्सेज उनके लिए रखते हैं जी। एक बी एस सी ऑनर्स बॉटनी और एक बी एस सी प्रोग्राम लाइफ साइंस तो इन दोनों में जो है हम उनको बॉटनी की बेसिक स्किल्स सिखाते हैं और इसके अलावा हम कोशिश करते हैं उनको इस तरह से तैयार करने की वो टेक्निक सिखाने की जिससे कि अगर वो ग्रेजुएशन के बाद भी चाहें तो या तो अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं और या फिर किसी फील्ड में जाकर जॉब कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहला होता है कि एक बॉटनिस जो है ग्रेजुएशन के बाद वो टेक्नीशियन बन सकता है कहीं पे भी क्योंकि उसको एक बेसिक आइडिया हो चुका होता है बॉटनी के बारे में जो टेक्निक्स हम एम्प्लॉय करते हैं बॉटनी की स्टडी में वो उसके बारे में जान चुका होता है इसके अलावा अगर वो चाहे तो नर्सरी मैनेजर बन सकता है ग्रीन हाउस मैनेजर बन सकता है या जैसे सर ने बताया वो अपना मशरूम कल्टीवेशन का बिजनेस शुरू कर सकता है <laughs> अगर हम फर्दर स्टडीज कर लेते हैं जैसे कि एम वगैरह कर लेते हैं थोड़ा और स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो उसके बाद और रास्ते खुल जाते हैं उनके लिए जैसे कि वो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं जी <laughs> या फिर वो जेनेटिक्स की फील्ड में जा सकते हैं <laughs> और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि इवन इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी बॉटनिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं अपने तो इसलिए बॉटनी करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं और इसके अलावा अगर आप बायोकेमिस्ट्री में जाना चाहते हैं जी, जी, जी। तो भी आपके लिए रास्ता खुल गया बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी वो आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम कैसे दो तीन पौधों से जीन्स निकाल के और एक बेहतर क्वालिटी बना सकें जिसको आजकल हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी कहते हैं ताकि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर कोई क्रॉप हम ग्रो करना चाहते हैं पानी की कमी है तो हम उसमें ऐसे करेक्टर्स पैदा कर दें कि वो कम पानी में भी हो जाए और हमें पैदावार भी ज़्यादा मिल जाए जी, जी, जी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में एक बॉटनिस्ट के लिए बहुत स्कोप है इन द मेडिसिन इंडस्ट्री वो लोग भी बॉटनिस्ट को प्रेफर करते हैं अच्छा तो यानी कि हम जैसे देखते हैं हमें लगता है कि आयुर्वेदिक दवाएं जो है उन्हीं में शायद पेड़ पौधों का इस्तेमाल हो रहा है या बॉटनी का यूज़ हो रहा है अगर आपने जैसे बोला तो क्या एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उनमें भी इनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी इम्प्लॉय करती हैं और आजकल आपने वर्ड सुना होगा न्यूट्रास्यूटिकल जी, जी जो कि हमारी जी, हेल्थ को बेटर करते हैं नहीं, नहीं। उसमें बहुत से प्रोडक्ट्स आजकल आ रहे हैं जो प्लांट बेस्ड हैं एक उसमें से है आ, स्पिरुलिना टेबलेट्स आपने शायद नाम सुना हो नहीं, वो, नहीं। वो नहीं। एक एल्गी है ओके वो एक ही कोशिका वाली एक प्रोकैरियोटिक एलगी है जो प्रोटीन में इतनी भरी हुई है कि एक इंसान की सारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो टेबलेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकती हैं तो वो आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है इसके अलावा एक दूसरी है डोनाली एला जिसका साइंटिफिक नेम है जी। उसमें बीटा कैरोटीन इतना ज़्यादा है आजकल हम कहते हैं ना लाल सब्जियाँ खाओ रंगदार पत्ते जी वाली सब्जियाँ खाओ तो अगर हम वो बीटा कैरोटीन की टेबलेट्स बना के दें तो जिनको ज़रूरत है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा तो इन सब फील्ड्स में और इन सब इंडस्ट्रीज में बॉटनिस्ट को प्रेफर किया जाता है क्योंकि उनके पास एक बेसिक नॉलेज है प्लांट्स का उनके पास टेक्निक्स का आइडिया है और किस तरह से इनको यूटिलाइज करना है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कौन सा पौधा किस काम आ सकता है ये सब आपको एक बॉटनिस्ट ही बता सकता है जी। और मैम आपने अभी जिक्र किया था इसरो में भी अब बॉटनिस्ट की रिक्वायरमेंट है वो लोग जो बॉटनिस्ट है उनको रिक्रूट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे किस तरह का काम करना पड़ता है वहाँ पे जैसा कि जो स्पेस शिप जाते हैं हमारे जी उसमें एक ग्रीन एल्गा होता है क्लोरेला जी उसको स्पेस शिप के अंदर ही ग्रो कर लिया जाता है अच्छा क्योंकि वो पानी में ही ग्रो हो जाता है तो थोड़ा सा आप अरेंजमेंट करके उसको वहीं ग्रो कर सकते हैं तो वो यूज होता है एज अ फूड अच्छा जो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं जी जी। उनकी फूड की रिक्वायरमेंट अंदर ही पूरी हो जाती है हो। उनको कुछ ले जाना नहीं पड़ता वो क्लोरेला ग्रो कर सकते हैं स्पेरोना जैसे मैंने बताया प्रोटीन रिच फूड है जी। वो ले सकते हैं और ये सब एल्गी पानी में ग्रो कर जाती हैं साफ पानी हो उसके अंदर ये ग्रो कर जाते हैं और दूसरे ही नैलगी का बहुत रोल है ये जो डुनाली है इसमें ग्लिसरॉल बहुत ज़्यादा है अच्छा तो इंडस्ट्री इसको लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करती है जी जी। ताकि उसमें से ग्लिसरॉल निकाला जाए जो बहुत सी मेडिसिन में यूज़ होता है तो इस तरह से स्पेस रिसर्च में भी इसका बहुत काम होता है दूसरे भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये जाता है देखा जाता है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज़म्स पे रेडिएशंस का क्या असर होता है उनको आप छोटी सी जगह पे ग्रो कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि अगर रेडिएशन लीक हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो हुँ, हुँ, तो ये ऑर्गेनिज़म्स किस तरह रिएक्ट करते हैं और किस तरह ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं जी तो इन दो फील्ड्स में इस तरह से यूज़ होता है सर जैसे कि मैम ने बताया कि बॉटनिस्ट जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर काम करते हैं तो जाहिर से ज़ाहिर है कि ऐसे में रिसर्च बहुत अहम होती होगी बात करें अगर हम अपने मुल्क की तो हमारे मुल्क में हो रही रिसर्च को बॉटनी में जो रिसर्च हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं और कितनी अहमियत रखती है रिसर्च इस फील्ड में देखिए किसी भी देश को दो तरह की सिक्योरिटी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है जी एक फूड सिक्योरिटी दूसरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक बॉटनिस्ट का कंट्रीब्यूशन हमारे देश के फूड सिक्योरिटी में उतना ही अहम है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में भी उतना ही अहम है हमारा देश कृषि प्रधान देश है जी। तो यहाँ पर जितने भी हम अनाज उगाते हैं उनकी उन्नत किस्म की बीज के लिए एक बॉटनिस्ट का होना बहुत ही जरूरी है अगर एक बॉटनिस्ट चाहे तो कम पानी में भी अच्छी फसल उगा सकता है तो इस ये सारी जो प्रोसेस है रिसर्च की ये शुरुआत होती है एक बॉटनिस्ट एक बॉटनी सब्जेक्ट की पढ़ाई से उसके बाद हम आगे जाके उसमें बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा इनफैक्ट हमारे देश के डिफेंस में भी बॉटनिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है अच्छा। जो हमारे ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पे जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं उनके लिए हाई एनर्जी फूड बनाना उनके लिए वो मेडिसिन तैयार करना जो बहुत ही जल्दी हीलिंग देता है उन सब के पीछे बॉटनी और बॉटनिकल रिसर्च का हाथ है बिल्कुल और जब हम इस तरह की किसी रिसर्च का काम करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट्स हम अपनी फसल बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं और उससे हमारा देश फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ भी आगे बढ़ता है और हमारे देश में ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो बहुत ही एट पार वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही हैं फॉर एग्जांपल आपका डीआरडीओ आर इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है आईआरआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है तो आ, जहां तक बॉटनी में रिसर्च का सवाल है हम दुनिया के किसी भी किसी भी देश से एक पार चल रहे हैं वाह बिल्कुल स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं वो किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो हायर स्टडीज में जाए तो उसके लिए उसको जितनी भी प्रिपरेशन की जरूरत है जितनी भी तैयारी की ज़रूरत है चाहे वो उसके स्किल की ज़रूरत है चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स को जानने की रिसर्च कैसे करते हैं वो सब हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर एक बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट है बॉटनी का तो आगे जाके वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आगे अपना हाथ आजमा सकता है जेनेटिक्स के फील्ड में अपना हाथ आजमा सकता है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में अपना हाथ आजमा सकता है फूड टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो शिरकत कर सकता है इसके अलावा जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो फूड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर बॉटनिस्ट की बहुत डिमांड है क्योंकि उनको प्लांट्स और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी अच्छा बेस पहले से तैयार मिलता है मैम आपसे जानना चाहेंगे जैसे सर ने बताया कि ग्रेजुएशन से ही बच्चों में जो है वो रिसर्च की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं तो तालीम हासिल करने के बाद या बीएससी करने के बाद क्या स्टूडेंट्स की नौकरी लग जाती है या स्पेशलाइजेशन का कोई कोर्स उन्हें करना ज़रूरी होता है और अगर देशबंधु कॉलेज की ही बात करें अभी बात चल रही है देशबंधु कॉलेज की तो क्या आपकी तरफ से उन्हें जॉब असटेंस दिया जाता है किस तरह से आ, ये सारा प्रोसेस होता है वो आपसे जानना चाहेंगे मैम बॉटनी की डिग्री लेने के बाद अगर कोई स्टूडेंट आगे हायर स्टडीज़ में नहीं जाना चाहता और वो नौकरी के लिए जाना चाहता है तो वो एज अ टेक्नीशियन म्यूजियम क्यूरेटर या फिर वो प्राइवेट एंटरप्रेनरशिप में जा सकता है जैसा कि मैंने पहले भी बताया जी। कि वो नर्सरी मैनेजर बन सकता है अपनी नर्सरी खोल सकता है जी। या फिर वो ग्रीन हाउस मैनेजर बन सकता है या फिर अपना फार्म हाउस बना सकता है तो इस तरह की अपरचुनिटीज़ हैं जहाँ तक देशबंधु कॉलेज का सवाल है हमारे यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट प्लेसमेंट सेल है जो टाइम टू टाइम एक्सपर्ट्स को इनवाइट करता है जो स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं अलग अलग फील्ड में हम बहुत सी कंपनीज को इनवाइट करते हैं यहाँ पर देशबंधु okay. कॉलेज में जो कैंपस सिलेक्शन करके जाती हैं ये सब बी के स्टूडेंट्स के सब बी एस के स्टूडेंट्स के लिए, okay. के के लिए है क्योंकि आजकल तकरीबन हर कंपनी में एक एनवायरनमेंट सेल होना ज़रूरी है ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है ताकि वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है क्या वो नुकसान तो नहीं।, नहीं कर रहा तो उसके लिए उनको एक अनवामेंटलिस्ट या वाटनिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है अच्छा। तो इस तरह की सारी कंपनीज जो हैं वो हमारे प्लेसमेंट सेल के दौरान यहाँ पर आती हैं और स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके जाती हैं अरे वाह तो सर जैसा कि मैम बता रही है। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं जी मैम ने काफ़ी अच्छे से बताया कि क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं थोड़ा सा मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा सरकारी नौकरियों में भी एक बॉटनिस्ट अपने आप को एज ए गैजेड ऑफिसर वहाँ पे जो एक आई का एग्जामिनेशन होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का वहाँ पर बॉटनी एक बहुत ही लिक्रेटिव सब्जेक्ट है बॉटनी और जोआलॉजी का कॉम्बिनेशन हो या फिर इन्वामेंट इम्पैक्ट असमेंट कि जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ उनको हायर करती है वहाँ पर एक बॉटनिस्ट को प्रेफरेंस मिलता है इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं एफ एस एस आई जहाँ पर फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का ये ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर बॉटनिस्ट को प्रेफर किया जाता है ओवर अदर बायोलॉजी ग्रेजुएट्स सो डेफिनेटली प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स दोनों ही में एक बॉटनी ग्रेजुएट कोई एडवांटेज है और एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर वो नौकरी ढूंढ सकता है तो नौकरियों की आप लोग बता रहे हैं कहाँ कहाँ नौकरी ढूंढ सकते हैं तो आ, सर इस फील्ड में जब करियर बनाने के लिए जब नौजवान निकलते हैं तो आपको क्या लगता है कि कामयाब होने के लिए एक नौजवान के अंदर एक स्टूडेंट के अंदर वो क्या स्किल्स या काबिलियत होनी चाहिए आपको लगता है ये ज़रूरी है तभी वो इस फील्ड में कुछ बेहतर करियर बना सकेंगे कामयाब हो सकेंगे सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इंटरेस्ट अगर अगर किसी के पास इंटरेस्ट है पौधों के बारे में और अपनी एग्रीकल्चर के बारे में जानने की क्योंकि वही एक मोटिवेशनल फोर्स होता है जी। उसके अलावा आप एक बेसिक अच्छे सीजीपीए से अगर आप इस पूरे कोर्स को करते हैं तो आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेफिनेटली कुछ स्किल्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कुछ स्किल्स आपके मॉडर्न uh, कोर्सेज uh, के लिए चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी का हो या माइक्रोबायोलॉजी का हो तो वो आपको एक एडिड एडवांटेज देता है hmm. uh, मैं यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देशबंधु कॉलेज का कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम अपने देशबंधु कॉलेज में अपने सीनियर्स जो हमारे यहाँ से पास आउट होकर अलग अलग जगहों पर नौकरियाँ कर रहे हैं उनको भी बुलाते हैं अच्छा। ताकि हमारे अभी जो करेंट स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर सकें कि उनके पास क्या क्या एवेन्यूज़ हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये सब हम करते हैं हमारे प्लेसमेंट सेल के साथ एक कॉम्बिनेशन में कंपनीज़ को हम बुलाते हैं तो यहाँ से हम हर साल अपने तकरीबन सत्तर बच्चों में से तकरीबन बीस से तीस बच्चे किसी न किसी जॉब में ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही प्लेसड होते हैं आखिर में चलते चलते आप दोनों से ही मैसेज लेना चाहेंगे जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे मैम सबसे पहले आपसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही डाइवर्स फील्ड है जी इसमें बहुत सी ऑपरचुनिटीज़ है हर तरह की बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट उसका कोई भी एप्टीट्यूड हो कोई भी काबिलियत हो और उसका इंटरेस्ट कुछ भी हो उसको कुछ ना कुछ ऑपरचुनिटी इस फील्ड में मिल ही जाएगी और खास तौर पर बॉटनी एक ऐसा फील्ड है जिसने औरतों और, तो और मर्दों दोनों को ही बहुत अच्छे से जॉब प्रोवाइड किए हैं है। तो अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और जो कि मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने आसपास लेना चाहिए तो उनको कुछ ना कुछ अपॉरचुनिटी इसमें मिल ही जाएगी बस ये है कि उसको ध्यान से एक गहराई से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है जी। आपके आसपास क्या है बिल्कुल आपके आसपास के पेड़ पौधे जो हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे पौधों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे जानवरों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं है है है। उसी से वो बहुत कुछ सीखने लगेंगे जी। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं अगर वो रोज सुबह उठ के अपने घर के आसपास के किसी पेड़ को ही देखना शुरू करें तो वो देखेंगे कि कैसे सीजन के साथ वहाँ आने वाले पक्षी बदलते हैं कैसे जब फल लगता है तो कौन से पक्षी आते हैं जब उसमें बोर आता है तो आम के पेड़ पे कौन सा पक्षी आता है ये तो शायद सबको ही पता है बिल्कुल तो इस तरह से उनका जो इंटरेस्ट है ना वो इस फील्ड में बढ़ता जाएगा जी सर आप हाँ निश्चित रूप से जो लोग जो हमारे युवा बॉटनी को अपना सब्जेक्ट लेने की सोच रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप आगे जाके अपने आप को अगले पाँच साल या दस साल में जहाँ पर भी देखेंगे बॉटनी एज अ सब्जेक्ट बिल्कुल आपके लिए एप्ट है उन सभी दिशाओं में जाने के लिए बिकॉज बॉटनी के आगे आपके पास अवेन्यूज़ इतने सारे खुल जाते हैं इतने ब्रॉड हो जाते हैं चाहे वो आप बिजनेस माइंडेड हैं तब चाहे आप जॉब ओरिएंटेड हैं तब अगर आप जॉब ओरिएंटेड हैं तब भी आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं बॉटनी के बाद अगर आप एक इंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखते हैं तो भी आप बॉटनी एज अ सब्जेक्ट लेके भी अपना सेल्फ सस्टेन्ड बिजनेस शुरू कर सकते हैं आपको अगर नेचर से इंटरेस्ट है तब भी आपको बॉटनी लेना चाहिए आपको अगर देश और एग्रीकल्चर से इंटरेस्ट है तब भी आपको बॉटनी लेना चाहिए यानी करियर के बेशुमार ऑप्शंस हैं इसमें आप आते हैं तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फील्ड है जी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आप दोनों ने वक्त निकाला और हमें इतनी ढेर सारी जानकारियां दी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों तो दोस्तों ये थे देश बंधु कॉलेज के दो सीनियर फैकल्टीज जो हमें बॉटनी फील्ड के बारे में इतनी ढेर सारी जानकारियां दे रहे थे और हमें उम्मीद है कि आप अगर इस फील्ड में आने के लिए सोच रहे हैं तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा इस फील्ड के बारे में चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ आप इस वक्त नौकरियाँ तलाश कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं आज का एपिसोड आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा अगले हफ्ते एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत आदाब